students, today we shall going to learn the letter writing. Letter writing is a first of all हम इसमें formal letter कैसे लिखते हैं और उसका जो structure है body language body structure है उसका कैसा है वो हम सीखेंगे. The most common form of written communication is the letter. Letter writing is an indispensable activity of human society. We write letters to friend and relative to mention contact with them. However, in the present time, with the boom in the method of communication, many of us don't have the time or the inclination or the temperament and the art of write letters. So telephone, fax and email have replace the पर्सनल लेटर. अब जो हम लोग पहले लिखते थे लेटर्स और अभी हमारे पास जो है ना टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसकी वजह से हम ज़्यादातर लेटर्स नहीं लिखते हैं. फिर भी however, formal letters are still in vogue. Commerce, trade, official correspondence, published representation, complaints or other dealing transactions or communication with the people are still conduct through letters. Throughout letters, students are therefore advised to collective arts and skill of letter writing. अब यहाँ पे हम लोग को letter लिखना है, मतलब कई अभी जगहों पे letter लिखना ज़रूरी है. जैसे कि हम लोग कोई business हो तो उसमें letters लिखते हैं, official letters होते हैं, formal letters होते हैं. कोई problem हो तो हम उसको letters लिखते हैं, means पुलिस हो या फिर कोई company हो उसको letter लिखते हैं. तो अभी तक letter वो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं. तो हम लोग को वो लेटर कैसे लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं वो सीखना है. तो पहला मैं आपको फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर बताऊंगी. तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है. सेंडर्स एड्रेस वो लेफ्ट साइड में आता है आपके लेटर्स के सबसे टॉप में, और वहाँ पे आप अपना हाउ सेक्टर और सिटी है उसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे. उसके बाद उसके नीचे वो द सेंडर्स जो है सेंडर से एड्रेस है उसको फॉलो करके आप उसके नीचे डेट लिखेंगे. मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है 2 मई 2019. आप यहाँ पर डेट पूरी जो है वो पूरा जो मंथ है उसका नाम लिखेंगे पूरा, और जो आप ईयर लिख रहे हो उसके साथ लिखेंगे. इसके इस स्टाइल में आप डेट लिखेंगे. फिर उसके नीचे क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस, मतलब आप जिसको भेज रहे हो वो विच हु इज द रिसीवर ऑफ दिस लेटर. आप उसका एड्रेस लिख रहे हो तो एड्रेस में आपको जो एडिटर किस जगह आप लिख रहे हो उसका नाम और उसका न्यूज़पेपर का नाम और सिटी लिख रहे हो उसका पिन कोड भी आपको लिखने का रहेगा. उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ये जो है वो लेफ्ट साइड में हम टॉप में लिखेंगे. उसके बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन सर या मैडम. अगर आपको नहीं पता है कि सर है या मैडम है तो आप जनरली सर लिखेंगे. उसके नीचे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम मिडल में लिखते हैं लेटर के सेलिब्रेशन के बाद में. सब्जेक्ट है वो 6 और 8 वर्ड्स में होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए. मीन्स कि आप जो मेन प्रॉब्लम है लेटर की वो उसके सब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे. बॉडी ऑफ लेटर, तो बॉडी ऑफ लेटर क्या है, सबसे पहले हम जो बॉडी ऑफ लेटर में हम 3 या 4 पैराग्राफ लिखते हैं जनरली. तो उसमें सबसे जो पहला पैराग्राफ होता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं उसे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देते हैं. अपना नाम होता है, अपनी जो प्रॉब्लम है, हमें क्या है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम इसमें देंगे फर्स्ट पैराग्राफ में. मेन कंटेंट वो हम सेकंड पैराग्राफ में देंगे. मेन कंटेंट में हमें क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हम क्या क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं या फिर हमें जो भी मीन्स के वो डिक्लेरेशन है वो पूरा इस मेन कंटेंट हमारा जो है उसमें लिखेंगे. और जो लास्ट में है वो कंक्लूजन है, मीन्स के आप जो अपना सॉल्यूशन दे रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है उसका या फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लास्ट कंक्लूजन जो पैराग्राफ है उसमें लिखेंगे. फिर लास्ट में हम थैंकिंग यू मीन्स के थैंकिंग की जो है वो करेंगे, थैंक करके योर से फुली या फिर ट्रूली ये लिखेंगे लास्ट में. ये कहाँ लिखा जाता है, तो लेटर के राइट साइड में लिखा जाता है एंड में, और वहाँ पे आपका सिग्नेचर और नेम वो आपको लिखना है. तो ये हमारा लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है. अब मैं आपको एक लेटर राइटिंग का एग्जाम्पल दूंगी. तो हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे लेटर राइटिंग का, जो फॉर्मल लेटर है यहाँ पे दिया गया है. माउंटेन व्यू पब्लिक स्कूल कालका इज रन बाय एन एनजीओ टू गिव क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द डिप्रेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी.
एक्टिव द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फील्स दैट ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम नीड टू बी रिप्लेस्ड शी डिसाइडेड टू आस्क द चेयरपर्सन ऑफ द एनजीओ नेम्ड एजुकेशन फॉर ऑल फॉर फुल फंड्स राइट हर लेटर इन 122 150%। अब यहाँ पे आपको मिल भी जाएगी लेटर लिखने के लिए, वो कितनी होगी, वो होगी 122 150 words। आपको इतने वर्ड्स में ही ये जो लेटर है इतना लिखना है, तो आपके पास एक लिमिट है वर्ड्स की। तो हर नेम इज श्वेता पंडित, अब यहाँ पे हमें उसका एड्रेस भी दिया गया है और किसको भेजना है उसका भी एड्रेस दिया गया है और मेन प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो इसमें दिया गया है। तो हम मैं इसको फॉर्मेट वाइज लिखूंगी, तो पहले सेंडर का एड्रेस है ना, जिसमें क्या है श्वेता पंडित, और उसका जो एड्रेस है हम लिखेंगे कहाँ पे, सेंडर का एड्रेस लिखते हैं लेफ्ट साइड पे वहीं पे, माउंटबी पब्लिक स्कूल कलकत्ता 3 June 2000। आप जो भी डेट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। चेयरपर्सन एजुकेशन फॉर ऑल, अब यहाँ पे जो श्वेता पंडित का है वो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस रहेगा, उसने अगर दिया गया हो तो आप लिखेंगे, और आप अपनी तरह से उसने हाउस सेक्टर सिटी उसकी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद डेट लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेट है वो लिखूंगी है वहाँ पे, और वहाँ पे फिर हमें इसी का एड्रेस भी देगा, चेयरपर्सन एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो उसका एड्रेस लिखा है। फिर सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में डियर सर लिखा है उन्होंने, और अब सब्जेक्ट भी क्या लिखती है, सब्जेक्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड, उनका जो सब्जेक्ट है वो 6 और 8 words में आ गया है, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड। अब वो आगे लिखती है वर्डी ऑफ लेटर में फर्स्ट उनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है वो उसमें क्या लिखती है, आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस द बैड कंडीशन ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम ऑफ मॉन्टेव्यू पब्लिक स्कूल। अब उन्होंने इंट्रो दिया है उनकी प्रॉब्लम क्या है और वो क्या मतलब जो है लेटर में बताने वाली है। सेकेंड जो पैराग्राफ है उन्होंने उन्हें मेन कंटेंट रखा है, जैसे कि द ब्लैक बोर्ड हैव नॉट बीन चेंज सिंस द स्कूल केम इनटू एक्जिस्टेंस 14 ईयर अगो, दे हैव ब्रोकन फ्रॉम मेनी प्लेसेस एंड देयर सरफेस हैव लॉस्ट द स्मूथनेस व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू राइट ऑन इट एंड द स्टूडेंट टू रीड द नेक्स्ट रिटन ऑन देम, बिसाइड दिस पॉइंट द एथेस्टिक ऑफ द क्लासरूम पेरेंट्स हु विजिट ड्यूरिंग पेरेंट्स मीटिंग्स हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट द बर्न आउट कंडीशन ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड। और वो आप यहाँ पे जो मेन कंटेंट है उन्होंने बताया है कि ब्लैक बोर्ड की कैसी सिचुएशन है, उनका प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद वो कंक्लूजन ले रही है, लास्ट पैराग्राफ लिख रही है, उन्होंने क्या लिखा है लास्ट पैराग्राफ में, उन्होंने लिखा है ब्लैक बोर्ड आर द इम्पोर्टेंट आर टाइम टेस्टेड विजुअल टू दैट एट इफेक्टिव लर्निंग क्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, यू आर रिक्वेस्ट टू अलॉटेड फंड ऑफ रिप्लेस ऑल ब्लैक बोर्ड सो दैट बेटर लर्निंग कैन बी गिव इन अवर स्कूल। आप इनका सोल्यूशन भी दिया है कि आप किसी को मतलब आपके जो हेड है उनको रिक्वेस्ट कीजिए ताकि हमारा जो ब्लैक बोर्ड है वो चेंज कर दिया जाए। यहाँ पर जो मेन जो उन्होंने कंटेंट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यहाँ पर दिया है तीनों पैराग्राफ में, लास्ट में वो क्या लिखती है, योर फेथफुली एंड ओनली, वो ऐसा करके थैंकिंग यू श्वेता पंडित प्रिंसिपल, ऐसा करके वो उनका सिग्नेचर और नेम लास्ट में लिखती हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो लेटर है वो खत्म होता है, फॉर्मल लेटर था एक का जिसमें सेंडर का एड्रेस डेट रिसीवर्स एड्रेस फिर सैल्यूटेशन सब्जेक्ट बॉडी ऑफ लेटर का इंट्रोडक्शन मेन कंटेंट कंक्लूजन थैंकिंग यू योर फेथफुली ट्रूली सिग्नेचर और नेम आएगा, और आपके पास जो है वो लिमिट है 120 150 और इसके जो मार्क्स हैं वो 6 है। जब भी हम बोर्ड के पेपर में पूछते हैं तो बोर्ड के पेपर में आपको ये 6 मार्क्स से उसमें पूछा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से स्ट्रक्चर है वो याद कर लेना। इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर भी देखेंगे, आगे के जो जॉब के लिए एप्लीकेशन है और अलग अलग लेटर्स टाइप के वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट हैं, थैंक यू।